हेलो गाइड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। गाइड्स, ऐसा है कि कल मैं सहरसा से खगड़िया गया, तो मैंने ट्रेन से गया, तो वहाँ मैंने देखा क्या कि सहरसा से जब खगड़िया के लिए मैंने टिकट कटाया तो मात्र 10 रुपया लिया, और जब मैं खगड़िया से वापस सहरसा आया तो मुझसे 30 रुपया लिया। तो गाइड्स, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आया कि सहरसा से खगड़िया गया तो 30 रुपया लिया, और जब खगड़िया से सहरसा आता हूँ तो मुझसे मात्र 30 रुपया लेता, तो इधर से गया तो 10, उधर से आया तो 30 रुपया। ये रेलवे सरकार क्या है, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रहा। गाइड्स, अगर आपके पास कुछ ऐसा कुछ आइडिया हो तो मुझे कमेंट करें कि आखिर मैं सहरसा से खगड़िया गया तो मुझसे मात्र 10 रुपया लिया, और जब मैं खगड़िया से सहरसा आता हूँ तो मुझसे 30 रुपया लिया, ऐसा क्यों? ये तो एक रेलवे सरकार की तो मनमानी चल रही है, और यहाँ तक कि सहरसा से अगर मैं बैजनाथपुर आता हूँ, जो कि सहरसा से बैजनाथपुर की दूरी मात्र 6 किलोमीटर है, और मैं एक ऑटो से जाता हूँ तो मुझसे मात्र 10 रुपया भाड़ा लेता है, जबकि मैं ट्रेन से जाता हूँ तो मुझसे 30 रुपया लेता है। तो मात्र 6 किलोमीटर सफ़र करता हूँ तो मुझसे 30 रुपया लिया जाता है। 6 किलोमीटर तो चूँकि बहुत दूर हो गया, मैं 1 किलोमीटर भी अगर सफ़र करता हूँ, सहरसा से 2 किलोमीटर एक हॉल्ट पड़ता है, उस हॉल्ट के लिए मैं टिकट कटाता हूँ तो मुझे 30 रुपया देना पड़ता है, ऐसा क्यों? जबकि एक ऑटो में बैठता हूँ तो मुझसे मात्र 5 रुपया लेता है, और जब मैं ट्रेन से जाता हूँ तो मुझसे 30 रुपया लिया जाता है। गाइड्स, जब मैं सहरसा से मधेपुरा आता हूँ, पैसेंजर से आता हूँ तो मुझसे 30 रुपया लेता है, और जब मैं एक्सप्रेस से आता हूँ तो भी मुझसे 30 रुपया ही लिया जाता है, यानी पैसेंजर से भी 30 रुपया और एक्सप्रेस से भी 30 रुपया, जबकि सहरसा टू मधेपुरा का भाड़ा पैसेंजर से मात्र 10 रुपया था, अब जब से कोरोना में लॉकडाउन हुआ तब से 30 रुपया ले रहे हैं, ऐसा क्यों? गाइड, ये रेलवे सरकार की मनमानी चल रही है, इस पर हमको आवाज़ उठानी चाहिए। अगर हम इसी तरह आवाज़ नहीं उठाएंगे तो सरकार मेरी जेब काटते रहेंगे, और इस आवाज़ उठाने के लिए किसी एक को तो आना ही पड़ेगा। तो गाइड्स, ऐसा है, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं इसके लिए आवाज़ उठाऊंगा, और जहां तक होगा मैं इसके लिए आवाज़